कलाई टूट गई है शायद। अब इतना भी नहीं आयाज, कलाई टूट गई। अगर टूटी होती तो यूं नहीं बैठे होते। यानी तुम बैठते लेकिन इतने आराम से नहीं। किचन में मुझ पे ना गिरती तो ठीक था। क्या करती, तुम इतने अच्छे लग रहे थे नीचे लेटे हुए कि मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर कहाँ रह गया यार? मेरा दिमाग गौंदर साहब और जावियर की तरफ है। हम सब जलील हो गए हैं इस बंदे के सामने। शुरू में ही सब कुछ बताया होता तो ये सब ना होता। आयास, क्या मैं जान सकती हूँ कैसे हुआ ये? ये क्या है? डॉक्टर आप ही हैं क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो, लेकिन हम तो मेल डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अगर आप बुरा ना माने तो बाहर वेट कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत शर्मीला है। आपको बताएगा नहीं कि इसको तकलीफ क्या है, शर्माता है ना बहुत लड़कियों से। तुम्हें क्या हो रहा है जीनी? मैं यहाँ तकलीफ से मर रहा हूँ, जरा तुम बाहर जाओगी? अब ये क्या है, ऐसी डॉक्टर होती है क्या? ये तो कोई मॉडल लग रही है। क्या तकलीफ है आपको, कैसे हुआ ये? गिर गया था, बस जरा पाँव फिसल गया था, गली में गिर गया था। क्या, कहाँ गिरे थे तुम और कैसे गिरे थे? मेरा हाथ दबाएंगे क्या? ओके, हड्डी तो ठीक है। ये क्या है, इस तरह से पेशेंट को देखते हैं? एक मिनट सुने मैडम, यानी डॉक्टर साहिबा, टीचर की तरह क्यों पूछ रही हैं आप इनसे? आपके हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होते हैं क्या, जो ये देख सके कि हड्डी टूटी है या नहीं? एक्सरे का क्यों नहीं बोल रही हैं आप? क्यों ऐसे हाथ पकड़ा है जैसे कोई और बात हो? मैडम ठीक कह रही हैं, मैं अभी भेज रही हूँ, आप एक्सरे करवा लीजिएगा। बात सुनो, तुम किस बात के पीछे लगी हो? अरे किस बात के पीछे लगूंगी मैं आयास, तुम्हारी सेहत का ख्याल है, यानी और कोई बात नहीं। हाय कसम से थक गई हूँ मैं तो, यहाँ खड़े खड़े बैठ जाती हूँ। इसने अपने बालों को कलर किया हुआ था ना, यानी असली बाल नहीं थे, मुझे ऐसा लगा है। अरे मुझे क्या पता। नहीं नहीं, कलर किया है यकीनन, ये डॉक्टर तो लगती ही नहीं।